प्रभु के दास है और सचमुच में जब उनकी गवाहियों को मैं सुनता हूँ मेरा उत्साह मेरा विश्वास और बढ़ता चला जाता है। तो ये समय है कि हम कुछ गवाहियों को उनके द्वारा सुने कि प्रभु ने कैसे आश्चर्यकर्म कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो आइए प्रभु के दास का जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें डॉक्टर सैमुएल नेस। Hallelujah. Ishu acha hai. Amen. The Lord Jesus is good. Hallelujah. मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु की दया से उसके छुटकारे से उसके करुणा से मैं यहाँ आ सका। मुझे आए हुए करीब 3-3.5 साल हो गए, मैं आ नहीं पाया था इंडिया अपने घर में, परंतु अद्भुत रीति से मेरे पास समय नहीं है, परंतु अद्भुत रीति से यीशु ने वो लाल समुद्र को तो पार किया, जंगल में से एक मार्ग को निकाला, असंभव को संभव किया कि मैं 3.5 साल के बाद अपने घर में अपने घर घरेलू कलीसिया में आप मेरे प्रिय लोगों के साथ में आ सका। 3.5 साल बाद मैं प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हालेलुया। और जब मैं 3.5 साल था वहां पर प्रभु यीशु ने मुझे कुवैत में यीशु की महिमा करने का मौका अद्भुत रीति से दिया। मैं वहां जहां चर्चेस में जाता हूं वहां एक चर्च है लाइट हाउस चर्च, उसमें करीब 50 देशों के लोग आते हैं, अफ्रीका से अमेरिकन इंडियन फिलिपिनो चाइनीज कोरियंस इंडोनेशियंस इजिप्शियंस सीरियंस लेबनानी इत्यादि, यूरोप के यूके बेल्जियम हंगरी रशिया के भी, और एक मल्टीनेशनल चर्च है वो कॉमन लैंग्वेज में लगता है इंग्लिश में रहता है। वहां पर एक बार एग्जाम के लिए प्रेयर हो रही थी तो मेरे को यीशु ने मेरे दिल में डाला, बेटा तू बता अपनी गवाही को बता कैसे तेरे को मैंने पास कराया जब तू 12th मॉडल एग्जाम में फेल हो गया था और बोर्ड CBSE का फेल होने वाला था, और कैसे मैंने वो यीशु बुलाता पत्रिका लाई जिसका तू सब्सक्राइबर नहीं था, वो मैंने भाई दिनाकरण डीजे दिनाकरण की गवाही सुनी और पढ़ी मैंने, और वो चित्र देखा यीशु मसीह एक छात्र को आशीष दे रहे हैं, और उस चित्र ने मेरे को आकर्षित किया, मैं यीशु बुलाता पत्रिका पहली बार पढ़ने लगा और ऐसा मैंने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किया। उसके बाद यीशु ने मुझे आर्मी 71% से पास कराया, उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई दिलाई 66% के साथ, उसके बाद मुझे एमबीए दिलाया ड्यूअल स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग एज वेल एज फाइनेंस 66% के साथ, उसके बाद सीटीआई की डिग्री कंप्यूटर कोर्स की C++ जावा .NET वो किया यीशु ने दिलाया, उसके बाद PhD मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दिलाई। तो लोगों को बताओ वहां के कुवैत के ये सारी जाति जाति भाषा भाषा के अरबी को यूरोपियन को अमेरिकन को अर्जेंटेनियंस को मैक्सिकन को फिलिपिनोस को, मैं उनके बीच में मैंने गवाही के लिए समय मांगा और मैंने गवाही दी। मैंने जब गवाही दी मेरे प्रियो वहां पर लोग काफी जागृत है, तालियों की गड़गड़ाहट से वो सब लोग इतने खुश हो गए, और जब मैंने गवाही खत्म की 20 मिनट बाद जब सर्विस खत्म हुई मेरे पास लोगों के मिलने के लिए मेरी लाइन लग गई, बोले ब्रदर आप जो ने बोला हमारा दिल स्पर्श कर गया, इट वाज सो एनकरेजिंग, इतना हमारा निराशा से भरे दिल को आशाजनक था। और कई लोग अपना ईमेल आईडी देने लगे, मैं बोला मैं ईमेल से मैसेजेस भी मैं भेजता हूँ लोगों को, आप मेरा ईमेल से मैं आपको भेजूंगा, आपको बोले हाँ जरूर आप हमारा ईमेल से रखिए, कैनेडियन अमेरिकन फिलिपिनो पाकिस्तानी इंडियन, और एक ऑफिसर बड़े ऑफिसर थे वो हस्बैंड और वाइफ वो आखिरी तक करीब आधा घंटा तक रुके रहे, और आखिर में वो आंटी ने बोला मेरा हाथ मिलाया, बोला मैंने जब गवाही सुनी सचमुच ऐसा लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रही हूँ, हर एक वाक्य आपका दिल को स्पर्श कर गया, वो सो इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हर एक चर्च में जाके अपनी गवाही बताइए, लोगों को महसूस होगा वो जीवित गवाही को सुनेंगे कि कैसे यीशु मसीह बचाता है छुड़ाता है। मेरे दिल में बड़ा बोझ हो गया, हाय बहुत वहां करीब 100-150 कलीसिया है, मैं कैसे सब कलीसियाओं में जाके बताऊंगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा यीशु क्या करूं, यीशु ने कहा अपनी गवाही को लिख। मैंने लिखा
और उसके बाद मुझे जहां कहीं मौका मिलता, कोई लोग जैसे चर्च की बुलेटिन निकलती है, मैगजीन्स निकलती है, पत्रिकाएं निकलती है, मसीह पत्रिकाएं, चर्च की पत्रिकाएं, वहां पर मैंने अपनी गवाही को भेजा। तो वहां के सबसे जो बड़ा चर्च है मल्टीनेशनल, 50 देशों के लोग वहां पर आराधना करते हैं एक साथ, वहां पर हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है नवंबर के महीने में, और वो लोग फ्री में ये किताब छापते हैं, हार्वेस्ट हैंडबुक। उसमें कहानियां, प्रभु यीशु के वचन, कहानियां और कविताएं और अन्य यीशु के बारे में साहित्य अंदर लिखे हुए रहते हैं। मैंने वहां अपना ईमेल से उनको अपना सबमिशन, अपनी गवाही के मैंने भेजा, और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर ये राइट साइड में इधर वाला। वहां पर जो मैंने आपको गुड फ्राइडे के दिन, ईस्टर के दिन अपनी गवाही बताई थी कि कैसे मेरा बड़ा भाई पैदा होने के बाद 19 तारीख को मर गया, और मैं पैदा हुआ 19 तारीख को, और मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, मेरा नाम सैमुअल है, परमेश्वर से मांगा हुआ, और मेरे भाई का नाम इमैनुअल। 19 तारीख को एक प्रभु यीशु ने लिया, परंतु वो आंसुओं का पोंछने वाला, हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला, वो हन्ना का, अय्यूब का परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। उसने दोगुनी 19 तारीख को आशीष दी, हम दोनों को 19 तारीख को पैदा किया। माँ के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर डिलीवरी निर्भर नहीं होती है, परंतु एक है यीशु मसीह, सारी दुनिया का कंप्लीट कंट्रोल, सारी दुनिया का नियंत्रण में रखा है। मेरे भाई, मेरी बहन, चिंतित ना हो, निराश ना हो, दुखी ना हो। तो ये मेरी गवाही की, 19 तारीख की गवाही की, अमेजिंग टेस्टिमनी ऑफ माय बर्थ आज छप सका। हालेलुया, धन्यवाद हो। मैं चकित हो गया मेरे प्रियो, ये फ्री में बांटी जाती है, और कितने लोग आते हैं मालूम? करीब 6-7 हजार। मैं एक छोटा सा कलीसिया का, एक छोटी सी जगह छत्तीसगढ़ का, वहां पर सब लोग केरल वाले, तमिल वाले, साउथ इंडियन, नॉर्थ में बहुत कम वाले, और मैं छत्तीसगढ़ का इकलौता। परंतु मेरी गवाही लोग, चाइनीज लोग, अमेरिकन, यूनानी लोग, कैनेडियन लोग, अमेरिकन लोग, फिलीपींस के भाई पढ़ रहा है। हालेलुया। और उसके बाद एक और, मैं जब भी अपनी गवाही देता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस सेवकाई से बच्चा यीशु बुलाता, भाई दिनाकरण, उनका भी नाम मैं लोगों को बताऊं, नए जनरेशन को, जाति जाति के, देश देश के लोगों को। और उसी पत्रिका में ये भी बड़ा अनोखा है, एक जन का 2 आर्टिकल नहीं छपता, क्योंकि कई लिखने वाले रहते हैं, बड़े बड़े अमेरिकन, बड़े बड़े दूसरे लोग, परंतु दूसरी आर्टिकल छपा, जीसस सेव्ड मी, यीशु मसीह ने मुझे बचाया। भाई दिनाकरण की गवाही, कैसे उनकी पत्रिका आई, और कैसे मैं यीशु बुलाता पत्रिका पढ़ के मैं बचा, ये गवाही ये छपी है। हालेलुया, यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं मेरे प्रभु। हालेलुया, कितना अद्भुत है। तो मैंने सोचा मैं आप सबको प्यार करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर हिंदी में दिया रहता तो मैं आपको फोटो स्टेट जीरोक्स करके मैं आप सबको देता, आपको आशीष जरूर मिलती। हालेलुया। और फिर ऐसे ही वहां हर 2-3 महीने में और भी पत्रिकाएं छपती रहती हैं। उसमें एक और गवाही मेरी छपी थी, थैंक गॉड मॉस्किटो बिट मी, मच्छर ने मुझे काट दिया। ये भी बड़ी अद्भुत गवाही है, अगली बार प्रभु यीशु ने चाहा तो मैं आप लोगों के बीच में गवाही दूंगा। मच्छर ने काट दिया, धन्यवाद यीशु, मुझे मच्छर ने काट दिया। ये भी बड़ी अद्भुत गवाही है, ये छपी। उसके बाद एक और, वो हर 2-3 महीना में वहां पर कॉन्टेक्ट मैगजीन चर्च वालों के लिए, और आगे जाकर सब लोगों को ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कलर मैगजीन। हालेलुया, कोई पैसा नहीं है तो सब लोग लेते हैं, सब लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह की गवाही को। हालेलुया। और वहां का ये भी फ्री में कलर्ड मैगजीन निकलती है, उसमें भी यीशु मसीह की दया से एक और मेरी गवाही पब्लिश हुई। हालेलुया, ये दिखाता है। तो मैं आज कोट पहना हूं ना, कौन सा कलर, क्या वो नीला, अच्छा लग रहा है ना, उसकी गवाही है। सरप्राइज्ड बाय हिज ब्लेसिंग, उसकी आशीष से, उसकी और दया से मैं अचंभित हो गया। मैं बताना चाहता हूं कैसे मैं ये कोट की गवाही, जो आप सूट देख रहे हैं,
मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, मेरा मैंने कभी अपने आप से मैंने कभी कपड़े नहीं पहने। मैंने जब ये शुरुआत कहां से हुई, आदमी को व्यक्ति अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो अपनी शुरुआत को, अपने बीते दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे को याद है जब मेरी ये पत्रिकाओं में मल्टीनेशनल लोगों के बीच में देश देश के जाति जाति की भाषा भाषा के लोगों में छप रही एक तुच्छ छोटा सा छत्तीसगढ़ का लड़के के लिए। मैं बताना चाहता हूँ मेरी बचपन कैसे गुजरा। आप लोग बैठे हुए हैं, आप पंखा है, लाइट है। हम जब छोटे थे आप लोगों की उम्र में पांचवी छठवीं में पढ़ते थे, हमारा चर झोपड़ी वाला था, खपरे का, वहां लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था। गर्मी के समय बहुत मई जून में बहुत गर्मी होती और मम्मी हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट, हमको बोलती आजू बाजू में एक हाथ से मेरे को पकड़ती है, एक हाथ से मेरे छोटे भाई को पकड़ती और अपने बाजू में बैठाती। आप लोग देख रहे हैं, आप बच्चे लोग सामने बैठे, मेरी मम्मी अपने बाजू में बैठाती, बाकी बच्चे लोग चर्च के बाहर खेलने लगते थे। मेरी मम्मी बोलती नहीं, हम लोग भी जीत करते, नहीं मम्मी बाहर जाएंगे, क्या संदेश सुनाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों में, तो कहां समझने का। और कोई ऐसा प्रचार करे तो समझ में भी नहीं आता, तो हम सुनाते थे बच्चे नहीं तुमको बैठना है। और मम्मी बोलती जब बर्थडे होता, जन्मदिन होता, पास हो जाते, बोलती बेटा दवाई दो। हम लोग बाई नेचर एकदम जो स्वभाव से बेहद शर्मिले, झिझकते, अरे नहीं 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 डरते। मम्मी बोलती नहीं नहीं आज बर्थडे है, तुम्हें दवाई देना है, पास हुए दवाई देना है। हम लोग को बहुत डर लगता, दिल धक धक होता। मेरे प्रियो आज मेरे को देख रहे हैं, आज आप बोल पा रहा हूं मैं, ये यीशु मसीह की दया, वो बदल देता है। जब वो जीवन में आता है आपका डर चला जाता है, वो आपको बोल्डनेस आओ हिम्मत देता है, आपको बैक बेंचर से सामने बैठा आगे भी आता है। मेरी मम्मी बोलती अगर दवाई नहीं दिए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। संडे के दिन स्पेशल रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, घर में पुलाव बनता है, मटन चिकन करी बनती है सबके, प्राय सभी घरों में, हमारे घर में भी मम्मी बनाती। और 12:30 बजे दवाई का समय, अरे बाप रे, कई बार इतना डर लग जाता हम दवाई नहीं देते, और आके मम्मी तो मुंह फुला देती, खाना नहीं खाएगी, लो तुम लोग खा लो, मगर मैं नहीं खाऊंगी, क्यों दवाई नहीं। हमको बड़ा बुरा लगता, दुख लगता है, मम्मी क्यों निकाले, इतना अच्छा आपने तो बनाया है पुलाव और चिकन करी, क्यों निकाली, प्लीज खा लीजिए ना, प्लीज खा लीजिए ना। बाइबल में लिखा हुआ अपने बच्चे को जब वो लड़का है उसको सही मार्ग की शिक्षा दे, जब वो बूढ़ा हो जाएगा उसमें वो बना रहेगा। जो अपने पिता अपना बच्चे को छड़ी नहीं मारता वो उसका बैरी है। यदि आज आपको आपके माँ बाप डांटते हैं, बताते हैं बेटा ऐसा नहीं कर, वैसा कर, ये कर, आप बुरा नहीं मानिए, दवाई कड़वी होती है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा, पहन आपका अच्छा होगा, आपका भविष्य उज्ज्वल हो जाए। उसके बाद कई बार फिर मम्मी से बोलते, 3-4 बज जाता है तो मम्मी खाए नहीं है, हम तो खा लिए, नहीं तुम लोग खाओ, लोग खाओ, हमको बड़ा दुख लगता, मम्मी हमें माफ कर दीजिए, अगली बार हम जरूर गवाही दे। और अगली बार के लिए फिर से टेंशन होने लगता, अरे कैसे जाएंगे वहां चर्च में, वहां सामने क्या बोलेंगे, कई बार गड़बड़ कर देते। और कहीं हमारे घर में कोई मेहमान आते, शर्मा अंकल आंटी आ रहे हैं, ऑफमैन अंकल आंटी, ट्रेसलर अंकल आंटी आ रहे हैं, मम्मी पापा बोलते अरे सोनू मोनू, हमारा घर का नाम सोनू मोनू है, आओ मिलो अंकल आंटी आए, ट्रेसलर अंकल आंटी। अरे हम लोग डरते रहते, अरे तू जा मैं जाता हूँ, तू जा मैं जाता हूँ, क्या बोले, शाम के समय आते गुड मॉर्निंग बोले या गुड इवनिंग बोले, इंग्लिश भी नहीं आता, और इतना डर के मारे 10 मिनट लग जाता, 5-10 मिनट। मम्मी 3-4 बार बोलती अरे सोनू मोनू जल्दी आओ, विश कर दो केवल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। हम लोग आते और डरते डरते, अरे तू जा मैं जाता हूँ, मेरा भाई बोलता नहीं तू जा मैं जाता हूँ, मैं बोलते नहीं तू जा, हुए आते और कई बार झिझक के मारे एकदम डर लगने लगता, फिर बोलते गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग बोलते। क्या हो गया, सोचिए ऐसे व्यक्ति को जो मैं यहां बता रहा हूं यीशु मसीह बदल सकता है। यदि आज आप पढ़ाई में कमजोर है, बोलने में कमजोर है, आपको गवाही देना नहीं आता, कैसे शर्माते हैं, आपकी शर्म को दूर कर सकता है यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। और ये
सूट की गवाही मैं बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, हालेलुया, वो बुढ़ापे तक वो नहीं छोड़ेंगे, वो आप में खून में वो आ जाएगा, हालेलुया। आज यीशु मसीह में से बोल रहा है, ये बता मेरे लोगों को। और मैंने ये कोर्ट की गवाही देना चाहता, जब मैंने पहले यहाँ नौकरी की, सबसे पहले मेरी नौकरी थी सेंट थॉमस कॉलेज में, मैं 4 घंटे लेक्चरर के रूप में MBA के बेसिस पर मुझे लगातार नौकरी 2,500 रुपए मेरे को मिलते थे, केवल 2,500 मेरे लिए शर्म की बात थी, मैं इतना बड़ा क्वालिफाइड हूं, मेरे को केवल 2,500 रुपए मिल रहे। दूसरे मेरे साथी बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली, चेन्नई उधर गए, 40,000-50,000 कमा रहे हैं। परंतु मैंने कहा प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, और यहाँ पर मैं छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में जाता था प्रचार करने के लिए, कई लोग मेरा विरोध भी करते थे, परंतु कोई बात नहीं, शर्म हो और कुछ भी इल्जाम झूठे इल्जाम लगाए जाए, परंतु आप यीशु की सेवा करें, वो आपका आदर करेगा। उससे पहले वहां पहली नौकरी में 2,500 मेरे को तनख्वाह मिलती, और मैं करीब 2018 कई बार पूरी तनख्वाह में यीशु बुलाता सेवकाई को भेज देता था। मेरे पास नए कपड़े लेने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, मेरा मम्मी और मेरे भाई, छोटा भाई है, वो मेरे लिए कपड़े खरीदता। उसके बाद गुजरात में मेरे को यीशु ने नौकरी दिलाई वहां पर, और वहां पर बड़े बड़े मोदी जी वहां उस समय मुख्यमंत्री थे, और वहां एक चर्च में मेरे को जाने का मौका मिला, वहां पर IAS ऑफिसर जो ब्रदर पांडियन एंड ब्रदर DK राव वहां के मोदी जी के सबसे फेवरेट ऑफिसर हुए एक है, उनके साथ सहभागिता का, वहां पर भी जब मैं नौकरी किया मेरे को कभी कपड़े लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा भाई मम्मी आती मेरा राशन पानी, पहले स्टोव में मैं खाना बनाता था वहां पर, वो लाते मट्टी तेल चावल और कपड़े भी मेरे लिए खरीद के लाते। तो मैंने आज तक अपने आप से कभी खर्चा नहीं किया, मैं प्रभु की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा देता। वो लोग कहते, लोग भी कहते, अरे तू अपनी मम्मी के लिए साड़ी नहीं लिया, तू अपने पापा के लिए शर्ट नहीं लिया, तू प्रभु की सेवा के लिए सब कुछ तूने निछावर कर दिया। परंतु यीशु मसीह देखता है, वो इनाम देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। इनाम देने वाला आपके बलिदानों को, आपके सैक्रिफाइस को, आपके दुख उठाने को, he rewards every suffering, every sorrowful situations you have gone through। तो जब मैं कुवैत गया, मेरे भाई ने सब मेरे लिए पैक किया था पूरा, वहां पर 50-55 डिग्री की गर्मी रहती है, मच्छर नहीं रहते, मेरे भाई ने मेरे लिए से इतना प्यार करता है, वो मेरे लिए मच्छरदानी भी पैक करके दिया, सूटकेस में गरम कपड़े, कोट, जैकेट, पैंट, वो सुई धागा, स्केच पेन, सब कुछ। और जब वहां मेरे को कभी कपड़े लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अभी जब मैं नौकरी कर रहा था, आज से 2 साल पहले की बात है, एक बार मैं ऑफिस गया, मेरा बॉस जो है कुवैती है, कुवैत का अरबी आदमी है, अरबी लोग थोड़े गुस्सैर रहते हैं, बड़े जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट भी ऐसा है, 50-55 डिग्री का रेगिस्तान, डस्ट स्टॉर्म के बाद चलता है, केवल तेल है वहां पर और कुछ नहीं है। तो एक दिन आया ऑफिस में, और हमारा जो HR मैनेजर है उसको बुलाया, और वो बाजू में बैठता था मेरे कमरे के अपने रूम में, और वहां से जोर जोर से आवाजें आने लगी, मेरा मैंने सुना मेरा कुवैती बॉस काफी गुस्से में आ गया, और उसको डांट रहा HR मैनेजर को, उसने कुछ बड़ी गलती की थी, करीब वो उसकी डांट करीब आधा एक घंटा तक चली, और मैं तो डरने लगा रे बाप रे, क्योंकि इतना वो गुस्से में है, किसी और को बुलाए तो उस पर भी वो बम्बार्डिंग करेगा, होता है ना कई बार ऑफिस में कोई गुस्से में है और अचानक से चले जाए, वो भी गुस्से में हो जाने लगता है। फिर मैं प्रार्थना करने लगा, एक घंटे बाद अचानक से सैमुएल चूर था, मैं डरने लगा क्या होगा, मेरे को भी बुला के मेरे को भी फायर करेगा, बम्बार्डिंग करेगा, मेरे को भी डांटेगा, क्योंकि गलती छोटी मोटी तो सभी से हो जाती है। वो बुलाया, मैं यीशु अपने लहू में मुझे छिपा के रख, ऐसा करके प्रार्थना करके गया, और जब मैं अंदर घुसा मेरा दिल डांटेगा मेरे को, बोला सिट, अरे उतना गरम 50 डिग्री का वो उसका गुस्सा 10 डिग्री हो गया, सिट, बैठो बैठो। मैं बैठा, बोला वो ईमेल आया ना वो KPC से, कुवैत पेट्रोलियम कंपनी से, मैं बोला ये सब वो मीटिंग के लिए बुलाया, और उसी
करीब एक घंटा पहले एक ईमेल आया था, एक बड़ी कंपनी ने हमारी कंपनी को बुलाया था, हम आपसे बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप हमसे मिलिए। तो बोला वो आया है ना, तुम ऐसा करो तुम जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा तो तुम जाना। हम लोग ठीक है सर मैं जाऊंगा। ओके बोला सैमुअल ये क्या पहने हुए, मैं कोई कपड़े का खास पहनने का ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो क्या पहने हुए? बोला सूट लेके जाना, पहन के जाना। कौन सा? उसने बताया ब्लू कलर का टाइट स्लिम टाइट सूट खरीद। फिर वो बोला अपना खजांची को बुलाया, अकाउंटेंट को बोला उसको 30 केड़ी दे दो, मतलब इंडिया का करीब 6,500 दे दो, दे दो उसको। बोला सर नहीं 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 सर मैं ले लूंगा सर मैं ले लूंगा। अरे मेरे को तनख्वाह दे रहा है भाई, वो मेरे को तो शर्म लगेगी ना, फिर वो क्यों दे रहा और 30 केड़ी दे रहा 6,500। मैं बोला नहीं 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 सर नहीं नहीं नहीं। वो उसने अकाउंटेंट से लिया तो मेरे हाथ में जबरदस्ती थमा दिया। फिर मेरे को अरे ये तो अचंभित है, अद्भुत अनोखा, हमारा परमेश्वर हमारे विचारों से सोचने से समझने से विनती से प्रार्थना से भी बढ़कर करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। इफिसियों 3:20 में लिखा हुआ है यदि आज आप बैठे हैं बेचैन है दुखी है निराश है चिंतित है तो है। हालेलुया प्रभु का यीशु कह रहा है मेरी बेटी उज्जवल भविष्य रखा है, खड़े हो जा। हालेलुया। यस आपके लिए मैं बोल रहा हूँ खड़े हो जा। हालेलुया। आप बड़े परेशान है, कई बार आपने परेशानी का सामना किया, यू हैव फेस्ड रिपीटेड कई बार लगातार आपको असफलता मिली है, परंतु यीशु मसीह आपको सफल कर देंगे। हालेलुया। उसने आपके लिए यिर्मयाह 29 उसका 11 यिर्मयाह 29:11 का आशीष रखिए बहन, आपका उज्जवल भविष्य यीशु बनाएगा, क्योंकि वो संसार की ज्योति है, जगत की ज्योति, आपके अंधकार को दूर करने का, निराश ना हो बहन। हालेलुया। बैठे उसके बाद मैं मार्केट गया, मुझे दुकान भी नहीं मालूम, मैंने अपने चर्च वालों को फोन लगाया, अरे मेरे को मार्केट बताओ कौन सी दुकान में सूट मिलता है, मेरे को इतने साल हो गए मैंने कभी सूट मैंने कपड़े खरीदे नहीं, मेरे मम्मी और मेरा भाई उन्हें खरीद के देता था इंडिया से, वो लोग पता है वहां जाओ वहां करो। मीटिंग 2 दिन बाद थी और फिर मैं प्रभु की दया से ये ब्लू सूट हालेलुया खरीदा। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है। आखिरी वचन पढ़ के मैं बंद करूंगा, ये आपके जीवन में साबित होगी। यशया 61 उसका 6वां वचन बड़ा प्यारा सुंदर वचन है। दूसरे तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति को धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। क्या लिखा हुआ है? जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। यशया 60:16 वचन भी कहता है तू जाति जाति का दूध पी लेगी, राजाओं की छातियों को चूसेगी, तू जान लेगी मैं तेरा उद्धार करता तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सब शक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। आज आज भी एक सा ना बदलने वाला उसका प्यार उसकी सामर्थ नहीं बदलती। मेरे भाई मेरी बहन आज यदि आज आप निराश होके दुखी होके बेचैन होके परेशान होके या चिंतित होके यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके समझने समझ से बढ़कर मांगने से बढ़कर यीशु मसीह आपके लिए असंभव को चमत्कार करने की सामर्थ रखता है। आप अन्य जातियों की उनकी धन संपत्ति को खाओगे। आप लोग देखते हो अरे कितना करोड़पति 5 मंजिल का बिल्डिंग बनाया है, 3 मंजिल का बिल्डिंग बनाया हूँ, मैं छोटे झोपड़ी में रहता हूँ, मैं एक कमरे में रहती हूँ, मेरा नौकरी नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 8वीं फेल हूँ मैं, 10वीं पास हूँ केवल, ग्रेजुएट हूँ, इतने साल से मेरे को नौकरी नहीं है। यीशु मसीह आपके लिए नए दरवाजों को खोलेगा। हालेलुया। बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आप अपनी जातियों का धन संपत्ति खाएंगे, आपको नौकरी मिलेगी। हो सकता है आप घर में पोछा झाड़ू लगाते हो अपने सेठ के यहाँ, आप सेठ आपको पसंद करने लगेगा, वो आपके लिए दया दृष्टि करेगा, आप इसको यीशु के बारे में बताएंगे सेठ जी आपको डायबिटीज है शुगर है आपका हृदय नहीं चलता, मैं प्रार्थना करूंगी यीशु के नाम से, आपकी प्रार्थना से आपका सेठ जो है मालिक जो है वो आशीषित होगा। घर में आप
चाहे उनके लिए खाना बनाती हो, पोछा झाड़ू लगाते हो, या अकाउंटेंट हो, या दसवीं बारहवीं पढ़े हो, या केवल ग्रेजुएट हो, निराश ना हो मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, यीशु मसीह आपकी तकदीर को, आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपके भविष्य को उज्जवल कर सकता है। भाई जवान भाई, आपके भविष्य को आपसे सोचने समझने से बढ़कर यीशु मसीह अब्राहम के समान आपको आशीष देगा। भाई आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आशीष बनेंगे आपके जीवन के द्वारा। खड़े हो जाए भाई, हालेलुया। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको पीछे पीछे वाले भाई को हालेलुया, आपके द्वारा आशीष बढ़ेगी। हालेलुया। उत्पत्ति 12:2-3 के अनुसार यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, निराश ना हो। हालेलुया। आप हो सकता है बड़े करोड़पति की, नेता की सेक्रेटरी बन जाए, उनके अकाउंटेंट बन जाए, यीशु मसीह आपकी स्थिति को, परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि वो कड़वे पानी को मीठा करने के लिए सामर्थ रखता है। हालेलुया। निराश ना हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू। तालियां कुछ कम नहीं हो गई उनके दास को, इतना आशीष की बातें बोलना, इतनी गवाहियां जो हमारे लिए उत्साह प्रदान की, हमारे लिए आशीष पर जोरदार ताली, जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया। आशीष दे देवाले।